अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। जय श्री ओम नमः सिद्धिपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है, तिन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाई स्तुति को उचारी है, धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मोक्ष मार्ग का प्रकाशन स्वतंत्रता के अवलंबन से होता है। 15 अगस्त का आज यह मंगलमय प्रसंग है, स्वतंत्रता दिवस पर्व है एक, आप जानते हैं स्वतंत्रता पर्व, ये राष्ट्रीय पर्व है। पर्व दो तरह के होते हैं, एक त्रैकालिक पर्व होता है, एक तात्कालिक पर्व होता है। त्रैकालिक पर्व 10 लक्षण और अष्टानिका जैसे पर्व हैं, और तात्कालिक पर्व जो समय से संबंध रखने वाले हैं, घटना से संबंध रखने वाले हैं, किसी व्यक्ति से संबंध रखने वाले हैं। आज जो ये पर्व पूरे भारत देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, ये पर्व है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता, देखिए देश की स्वतंत्रता बहुत मायना रखती है, आत्मिक स्वतंत्रता के लिए, मुक्ति की स्वाधीनता के लिए, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट कर देने के लिए। जो जीव जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहते हैं और जिन्होंने मोक्ष मार्ग का, मुक्ति के मार्ग का उपदेश भी दिया है, ऐसे हमारे वीतरागी संतों ने भी उन राजाओं का उपकार माना है, उन लोगों का बहुत उपकार माना है जिनके शासन काल में ग्रंथ की रचना निर्बाध रूप से की गई। एक दो नहीं, 20 ग्रंथ ऐसे हैं जिन ग्रंथों में हमारे दिगंबर संतों ने देश को याद किया है, देश के राजाओं को याद किया है, तात्कालिक परिस्थितियों को याद किया है। भाई साहब, आज यदि हम यहाँ घर में बैठकर, मंदिर में बैठकर स्वाध्याय कर पा रहे हैं निर्विघ्न रीति से, तो इसमें यदि किसी का बहुत बड़ा योगदान है तो सीमा पर खड़े हुए हमारे सिपाहियों का है, सरकार का है, देश की शासन व्यवस्था का है। वे सिपाही 24 घंटे वहां तैनात रहते हैं, इसलिए पूरा देश शांति और अमन और चैन से सो पाता है, हम स्वाध्याय कर पाते हैं, हम धार्मिक आराधना कर पाते हैं। इसलिए देश का योगदान, और सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि हम जिस देश में हैं, इस देश में हमें धार्मिक स्वाधीनता है, धार्मिक स्वतंत्रता है। ये देश के संविधान में यह बात है कि हर व्यक्ति अपना धर्म करने के लिए स्वाधीन है, स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। आप कल्पना कीजिए, यदि हम आज किसी ऐसे देश में उत्पन्न हो जाते जहां प्रभाव होता, ऊपर से गवर्नमेंट का दबाव होता कि आप इस धर्म के अलावा दूसरे धर्म को नहीं मान सकते हैं, तो हम क्या करते? इस देश ने हमारे को इतनी स्वाधीनता दी
कि पत्नी किसी धर्म को मानती हो और पति किसी धर्म को माने तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। हर व्यक्ति स्वाधीन है अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार, अपने विकल्पों के अनुसार अपने धर्म का पालन करने के लिए। यह स्वाधीनता जिस देश में हमारे को मिली है यह उत्तम देश है। जब हम दुर्लभता की चर्चा करते हैं तो हम देश की भी बात करते हैं। ये उत्तम देश का समागम मिल जाना ये कोई विशेष पुण्य के बिना नहीं हो सकता है। न मालूम किस जाति का पुण्य हमारे द्वारा किया गया होगा जो उत्तम देश हमारे को मिला है। जो कुछ दिन पहले मैंने आपसे दुर्लभता की बात कही थी उसमें एक बिंदु ये उत्तम देश हमारे को मिल जाना यह भी है। स्वतंत्रता, एक तरफ देश की स्वतंत्रता की बात है, दूसरी तरफ आत्मा की स्वतंत्रता की बात है, और तीसरी तरफ कण कण की स्वतंत्रता की बात है। हमारी जैन परंपरा में स्वतंत्रता सर्वोपरि है। स्वतंत्रता सामान्य गुण है, स्वावलंबन सामान्य गुण है। आपने 6 सामान्य गुणों के रूप में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व की चर्चा तो सुनी होगी, लेकिन यह स्वतंत्रता भी सामान्य गुण है जो प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है। हर द्रव्य स्वतंत्र है। भगवान महावीर स्वामी की वंदना लिखते हुए दादा ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी, याद भी होंगी आप सभी को। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। ये भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा, ये मनुष्यों की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा, ये जीव मात्र की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा, ये जैन शासन है, ये भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित बात है जो कण कण की स्वाधीनता की बात करती है। अरे स्वाधीनता अमृत है, स्वाधीनता में आनंद है, स्वाधीनता में उत्साह है, स्वाधीनता में सुख है। पराधीन स्वप्ने हूँ सुख नाही, यदि पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं है तो स्वाधीनता में स्वप्न में भी दुख नहीं है। पराधीन स्वप्ने हूँ सुख नाही और स्वाधीन स्वप्ने हूँ दुख नाही, स्वाधीनता में दुख नहीं हुआ करता है। अरे स्वाधीनता और स्वतंत्रता की उद्घोष करने के लिए ये जिनवाणी की रचना हुई है। पूरा द्वादशांग कदम कदम पर वीतरागी दिगंबर संतों ने स्वाधीनता की बात कही है। जिस स्वाधीनता का अनुभव वीतरागी संतों ने किया उसी स्वाधीनता की बात का उन्होंने प्रतिपादन किया। जिस स्वाधीनता को उन्होंने भोगा उस स्वाधीनता को लिखा, जगत के जीवों को उसी स्वाधीनता और स्वतंत्रता को बतलाया। एक एक कण कण स्वाधीन है। इस स्वाधीनता को भोगिए, इस स्वाधीनता को चिंतन में लीजिए, इस स्वाधीनता को विचारों में लीजिए, इस स्वाधीनता का अनुभव कीजिए। कण कण स्वाधीन दिखाई दे रहा है। जब स्वाधीनता के विचार हमारे चिंतन में आते हैं तो फिर तकलीफ और दुख का नामो निशान नहीं रहता है। हम दुखी हैं इस वजह से कि बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, हम दुखी हैं इसलिए कि हमारा गला खराब है, हम दुखी हैं इसलिए कि हमारे कान खराब हो गए हैं, हम दुखी हैं इसलिए कि आँखों से कम दिखाई दे रहा है, हम दुखी हैं इसलिए कि फोड़ा हो गया है, फुंसी हो गई है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं, कमर, इसलिए हम दुखी हैं। आप किस किस लिए दुखी हैं बतलाइए ज़रा। और जब जिनवाणी हमारे को ये कहती है भाई विचार कर स्वाधीनता का, जब तू स्वाधीनता का विचार करता है तो फिर तकलीफ नहीं होती, फिर वेदन नहीं होता, फिर भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञान करो। ये जिन दर्शन हमारे को भेद विज्ञान के लिए मिला है, ये भेद विज्ञान की चर्चा स्वाधीनता की चर्चा है। एक परमाणु दूसरे परमाणु को परतंत्र नहीं कर सकता। आज तक किसी ने मुझे पराधीन नहीं किया,
दुनिया में किसी ने मुझे पराधीन नहीं किया, मैंने किसी को पराधीन नहीं किया। कि साहब संसार दशा दिखती तो है, अरे डाल दो इसको कुएं में, कहीं नहीं है संसार दशा, भूल जाओ इसको। परतंत्रता की चर्चा में भी दुख है, पराधीनता की बातों में भी दुख है। बात नहीं करना पराधीनता की, स्वाधीनता की बात करो। कुंद कुंदाचार्य देव 186 नंबर गाथा में कहते हैं समय सार में, जो शुद्ध जानता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है, जो स्वाधीन जानता है अपने आप को वो स्वाधीनता को प्राप्त होता है, जो परतंत्र जानता है वो पराधीन हो जाता है। सारा खेल मान्यता का है, सारा खेल अभिप्राय का है, सारा सारा का सारा खेल ये सब चिंतन चिंतन और बस दिमाग का है। ये दिमाग घुमा दिया, मैं स्वाधीन तो स्वाधीन और मैं परतंत्र तो परतंत्र। कौन पराधीन बनाए भाई साहब इसको, कौन पराधीन कर सकता है? कर्मों ने तुम्हें पराधीन किया नहीं है, कर्मों को पराधीनता तुमने दे दी है। कर्म हमें पराधीन करे? अरे समय सार 73वीं गाथा में कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि भाई कर्मों ने तुझे पराधीन नहीं किया, कर्म तेरे पराधीन है। कर्म फंस गए हैं बेचारे। 73वीं गाथा में भावार्थ में जाकर के जयचंद जी चावड़ा साहब कहते हैं संसार में तेरी नाव अटक गई हो ऐसा नहीं है, ये कर्म बेचारे इस आत्मा में आकर के अटक गए हैं, ये कर्म पराधीन हो गए हैं। ये जीव विकारी भाव करता है, कर्मों को आकर के अटक जाना पड़ता है, वो कर्म परतंत्र हो गए हैं। वे भी परतंत्र जो स्वाधीन विचरण कर रही थी, जो कारवाण वर्गणाएं, वे कारवाण वर्गणाएं लंबे समय तक आत्म प्रदेशों के साथ में चिपकी रहेगी। भाई साहब इस स्वाधीन व्यवस्था के विचार मात्र में आनंद आता है, इस स्वाधीन व्यवस्था के विचार मात्र में शांति झलकती है। तुम पराधीन बनाना चाहते हो, दुख का एकमात्र कारण है इस जीव की पराधीन प्रवृत्ति। या तो ये स्वयं पराधीन होता है या दूसरों को पराधीन बनाना चाहता है, बस दो तरह की चीजें हैं। या तो ये पराधीन होता है, नहीं नहीं आप जैसा कहोगे, नहीं आप बोलो, नहीं आप जैसा, पराधीन बनने की प्रवृत्ति वाला जीव है, पराधीन बनता है ये जीव। और दूसरी वृत्ति वाला जीव होता है, नहीं तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा मानना पड़ेगा, ये पराधीन बनाता है। बोलो दो के अलावा तीसरी वृत्ति हमारे को दिखाई नहीं देती है। लेकिन भाई न तो पराधीन बनाना है न पराधीन होना है। स्वाधीन सुख स्वाधीन आनंद लो जहां भी प्राप्त हो, स्वाधीन सुख और स्वाधीन आनंद की प्राप्ति करो, जहां भी आपको स्वाधीनता मिले उसका उपभोग करो। पत्नी मेरे अधीन नहीं है, ये मेरे अनुसार नहीं चलती है, बच्चे मेरे अनुसार नहीं चलते हैं, इसने मेरा कहना ही नहीं माना, मैंने इसको आदेश दे दिया फिर भी ये सुनता नहीं है, क्यों सुनेगा भैया ये बतलाओ मुझे। नियम सार की वो गाथा आपको याद नहीं आती है 156 नंबर गाथा, नाना जीवा नाना कम्मा वाली, है जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विधि कहे, अतएव वर्जित वाद है निज पर समय के साथ भी। बोलो, है जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विधि कहे, किस बात का विवाद है? सारे घर घर में विवाद हो रहा है, घर घर में झगड़े हो रहे हैं, मन मुटाव हो रहे हैं, ये हमारी नहीं सुनते पंडित जी, ये तो हमारी सुनते ही नहीं है पंडित जी, ये तो हमारी सुनते ही नहीं है, क्यों सुने तुम्हारी? कि मैं सुनता हूं, ये सुनते नहीं है, मैं इन्हें पराधीन बनाना चाहता हूं, मैं इनकी सुनता रहता हूं, मैं इनके पराधीन बन करके रहता हूं। भाई छोड़ो इस पराधीनता को, हमारे ज्ञानी जीव स्वाधीन है, सम्यक दृष्टि स्वाधीन है, पंचम गुणस्थान वर्ती स्वाधीन है, मुनिराज स्वाधीन है, अरंत भगवान स्वाधीन है, इसलिए उन्होंने स्वाधीनता का उद्घोष किया। सिद्ध भगवान परम स्वाधीन है, परम स्वतंत्र हो गए हैं। जब हम इस प्रकार की बातें कहते हैं तो कई लोग हमसे ये कहते हैं पंडित जी घर गृहस्थी में पराधीनता तो है ही ना, क्या करें? कभी हमें उनके अनुसार चलना पड़ता है, कभी उनको हमारे अनुसार चलना पड़ता है, कभी हमें मन मार करके भी बच्चों के अनुसार चलना पड़ता है, कभी मन मार करके भी हमें वाइफ की रखनी पड़ती है, हस्बैंड की माननी पड़ती है, माता पिता की माननी पड़ती है, नहीं चाहते हुए भी हमारे को ये सब करना पड़ता है। तो ये तो घर गृहस्थी में रहते हुए स्वाधीनता तो नहीं हो सकती है, परतंत्रता मतलब रहेगी साहब ये स्थिति तो, कभी हम उनकी माने कभी वो हमारी माने, कभी ये तो ऐसा तो चलेगा घर गृहस्थी में। कि सुनो जो चलता है मैं उसका निषेध नहीं कर रहा, मैं आपके घर गृहस्थी में आपके परिवार में आपकी फैमिली में जो कुछ भी चल रहा है मैं उसे फेर बदल करने की नहीं कह रहा, मैं तो यहाँ बदलाव की कह रहा हूँ, बदलाव यहाँ करना है इस जगह पर।
वहां नहीं, वहां तो चलती कहां है तुम्हारी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हमारा नियमित स्वाध्याय में चल रहा है प्रतिदिन। इसके 52 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने उस स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उसे याद करो ना अपनी फैमिली में, ऐसे प्रसंग में याद करो ना जब आप टेंशन में हैं, जब आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज बच्चा बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर घर में आपको डिप्रेशन के मरीज मिल जाएंगे। अवसाद, टेंशन, इसने क्यों कह दिया ऐसा, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये ऐसा कह देता तो अच्छा होता। ये जो आपके विकल्प हैं, ये सारे विकल्प परतंत्रता वाले विकल्प हैं, ये तकलीफ वाले विकल्प हैं। तोड़ दो इन विकल्पों को। जब जब कार्य मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तब तब मैं स्वाधीनता का विचार करता हूँ। ओहो, परमाणु परमाणु स्वाधीन है, सारे दुनिया में स्वाधीनता की घोषणा हो रही है। एक बाल पर हमारी नहीं चलती, आंखें झपकने में, पलकें झपकने में हमारी नहीं चलती है, आंख फड़फड़ा रही है हमारी चलती नहीं है। हम कहाँ किस किस को पराधीन करेंगे? आपको ये सारी दुनिया, ये सारा जगत स्वाधीन नजर नहीं आ रहा है? जगत स्वतंत्र है, सारा जगत स्वतंत्र है, एक एक परमाणु स्वतंत्र है, कण कण में स्वाधीनता है। क्या बोलो, हर जगह हमारे को स्वाधीनता दिखाई दे रही है, हर जगह हमारे को आनंद आ रहा है। जहाँ स्वाधीनता दिखती है वहाँ आनंद टपकता हुआ नजर आता है, जहाँ स्वतंत्रता दिखती है वहाँ मजा आता है हमारे को। ये जैन दर्शन की स्वाधीनता जन जन नहीं कण कण की स्वाधीनता है, ये स्वाधीनता की पराकाष्ठा है। कहाँ चल रही है? भोजन करने में तो चलाने की सोचते हैं, गले से नीचे उतर जाने के बाद क्या होगा बतलाइए? फिर कहाँ जाएगी वो स्वाधीनता? कहाँ चल रही है मुझे ये तो बतलाइए। ये टेबल आपके पूछ करके परिणमन कर रही है कि बिस्तर आपसे पूछ करके परिणमन कर रहे हैं कि गाड़ियाँ आपसे पूछ करके चलती है कि बरसात आपसे पूछ करके हुई है, हैं पेड़ पौधे आपसे पूछ करके परिणमन करते हैं, धरती जमीन मकान जायदाद प्रॉपर्टी धन पैसा कपड़े लत्ते जेवर गहने जो कुछ भी हैं कौन कौन आपसे पूछ करके परिणमन कर रहा है। हर वस्तु का स्वाधीन परिणमन है। कब नई से पुरानी हो जाएगी, अच्छी से खराब दिखने लगेगी, कौन करेगा बतलाओ मुझे? इस स्वाधीनता को भोगिए। यहाँ निशान हो गया, इसकी स्वतंत्रता को भोगिए। दांत हिलने लगा, उसकी स्वाधीनता का आनंद लीजिए। नाखून ज़्यादा कट गया, उसकी स्वाधीनता का आनंद लीजिए। बाल झड़ गए, उसकी स्वाधीनता का आनंद लीजिए। बाल सफ़ेद हो गए, उसकी स्वाधीनता का आनंद लीजिए। अरे इस स्वाधीनता का आनंद कुछ अपूर्व हुआ करता है। हर क्षण हर पल स्वाधीनता का विचार कीजिए। बोलो, जहां स्वाधीनता है वहां पराधीनता नहीं है, जहां पराधीनता नहीं है वहां आनंद है। क्या बोलो, ये पराधीन हो गया है, इसने पराधीन वृत्ति स्वीकार की है, किसी ने नहीं बनाया, तू स्वयं पराधीन हो गया है। अपनी स्वतंत्रता को नहीं पहचानने वाले व्यक्ति जगत में पराधीन होकर के विचरण करते हैं। देखो, एक बहुत पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाया करता था। एक कुबेर जैसा व्यक्ति था, बहुत संपन्न व्यक्ति था, इकलौता था, घर परिवार में कोई व्यक्ति नहीं था, अकेला रहता था अपने घर में अपने परिवार में। अरबों खरबों की संपत्ति थी, बड़ी हवेली थी, 10-20 नौकर चाकर काम किया करते थे। और जब ये सब चलता था तो अचानक क्या हुआ, वो किसी एक लंबी यात्रा पर निकल गया और यात्रा पर निकल गया और वो भूल गया वापस घर लौट करके आना। फिर क्या होता है, जिस हवेली में रहता था उसके नौकर चाकर, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, वो नौकर चाकर सब मालिक बन करके बैठ गए। क्या क्या समझ में आ रही, मालिक बन गए हैं ये सब, अपने आप को ऐसा समझने लगे हम ही मालिक हैं। कहा, कहता हूं ना मैं, नौकर का कोई दोष नहीं जब मालिक को होश नहीं। घर से निकलते हैं, अब तो आस पड़ोस में इधर उधर दुनिया में मार्केट में निकलने वाले व्यक्ति कोई पूछता कि इस हवेली का मालिक कौन है, इतनी सुंदर हवेली है। जो नौकर बाहर निकलता वो नौकर ये कहता मैं इसका मालिक हूँ, जो नौकर बाहर निकलता वो ये कहता मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। गजब हो गया भाई साहब, हैं सबके सब मालिक बन गए। क्यों बन गए ये सब मालिक? क्योंकि मालिक को होश नहीं है। इसी तरह से ये चेतन आत्मा
अपने स्वभाव को छोड़ करके बाहर निकल गया, लंबी यात्रा पर निकल गया, तो कभी चक्षु इंद्रिय मालिक हो जाती है, कभी कर्णेंद्रिय मालिक हो जाती है, कभी मन मालिक हो जाता है इसका, कभी कशाएँ अधिकार जमाने लगती है मेरे अनुसार ही काम होगा, कभी रसना इंद्रिय हावी हो जाती है, कभी स्पर्शन इंद्रिय हावी हो जाती है और ये पराधीन हो जाता है। ये जो शरीर रूपी हवेली दिखाई देती है, ये जो चेतन आत्मा रूपी हवेली दिखाई देती है, उस हवेली के ऊपर कशाएँ विषय के परिणाम ये सब हावी हो जाते हैं। लेकिन एक दिन जब उस सेठ को होश आया और वो अपने घर में लौट करके आ गया, तो जितने नौकर चाकर जो आज तक मालिक बने हुए थे, वे वापस सब के सब उसके अधीन हो गए, सब उसके कंट्रोल में आ गए। क्योंकि मालिक आ गया है ना, जब मालिक जागृत हो गया है, जब मालिक को होश आ गया है, जब मालिक ने अपने आप को पहचान लिया है, वो सामने आ गया है, अब कौन पराधीन होगा। हर नौकर जो आ गया, जो आ गया, जो आ गया, हम आपसे कहना चाहते हैं, आप इंद्रियों के दास नहीं बने, आप इंद्रियों के गुलाम नहीं बने। इंद्रियां आपकी गुलाम हैं, आप इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं, आप विषयों के गुलाम नहीं हैं, विषय आपके गुलाम हो तो हों, हम पराधीन नहीं होंगे। चक्षु इंद्रिय ने देखने का विकल्प किया और हम पराधीन हो गए, टीवी की स्क्रीन पर चैनल घुमाने लगे। अरे भाई, इस चक्षु इंद्रिय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। स्पर्शन इंद्रिय के जब परिस्थिति हावी हुई हमारे ऊपर, तो क्या हुआ, एसी चलाने लग गए, डल्लभ के गद्दे पर बैठ गए हैं, कोमल स्पर्श, ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए, ये चाहिए। भाई साहब, स्पर्शन इंद्रिय को हावी मत होने दो आपके ऊपर, आप मालिक हैं। ये स्पर्शन इंद्रिय आदि, रसना इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, ये सब नौकर हैं तुम्हारी, ये सब दास हैं, आपको इनसे उपयोग लेना है। चक्षु इंद्रिय से हमें उपयोग लेना है, पढ़ने में उपयोग लेना है, स्वाध्याय में उपयोग लेना है। कर्णेंद्रिय से हमारे को उपयोग लेना है। भाई साहब, हम कर्णेंद्रिय के गुलाम नहीं है, कर्णेंद्रिय हमारी गुलाम है। हम रसना इंद्रिय के गुलाम नहीं है, रसना इंद्रिय हमारी गुलाम है। चलो भक्ति करेंगे। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। बोलो, है सब द्रव्य स्वतंत्र है इस जगत में, कोई किसी का काम नहीं करता, कोई न किसी का काम करे। ये है गजब की स्वाधीनता, ये है गजब की स्वतंत्रता। वर्णी जी ने कीर्तन लिखा, एक बहुत गजब की लाइनें लिखी। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। हूँ स्वतंत्र, हूँ स्वतंत्र, स्वतंत्र हूँ मैं स्वतंत्र हूँ। अपनी सुधी भूल आप स्वयं दुख उठायो। क्या अपनी सुध को भूल करके ये जीव स्वयं दुखी हो रहा है, पराधीन बन गया है, बन गया है। ये तकलीफ का कारण है, मान्यता ही तो बदलनी है, मुझे किसी ने पराधीन किया नहीं। होता है ना, हाथी जैसा विशाल प्राणी, कितना विशाल काया है हाथी की, हाथी को कोई व्यक्ति बांध सकता है? हाथी के माथे पर बैठ करके कोई व्यक्ति उसको परतंत्र कर सकता है? हाथी की उस परतंत्रता का कारण है अपनी स्वाधीनता को नहीं पहचानना। किसी की ताकत नहीं है भाई साहब, किसी महावत की हिम्मत नहीं है जो हाथी के माथे पर बैठ करके उसे पराधीन करे? है किसी की हिम्मत? एक झटका दे तो नीचे पड़ता है वो महावत, क्या करेगा वो, कौन सा अंकुश चुभाएगा? लेकिन उस हाथी को पराधीन कर लिया जाता है, उस हाथी को परतंत्र बना लिया जाता है। वो कैसे हो जाता है परतंत्र? वो हाथी किस प्रकार परतंत्र हो गया है? कृत्रिम हथनी की वजह से। कृत्रिम हथनी उसे पकड़ने के लिए गड्ढा बना करके सामने खड़ी कर दी जाती है। स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर के वो हाथी आता है और गड्ढे में गिर जाता है। छः छः महीने तक खाने के लिए नहीं दिया जाता, महीने महीने, दो दो महीने, चार चार महीने, छः छः महीने तक खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा नहीं दिया जाता है। निकलने के बहुत प्रयत्न करता है, निकल नहीं पाता है। फिर क्या होता है, एक व्यक्ति आता है और उसके सामने रोटी के दो टुकड़े डालता है, एक गन्ने का टुकड़ा डालता है उसके आगे, और वो सोचता है ये है तो मेरी ज़िंदगी है, ये है
तो मैं बच सकता हूँ, ये है जो मुझे खाने के लिए देगा, ये है जो मेरी व्यवस्थाएँ कर सकता है, ये मान्यता में पराधीनता है। फिर क्या होता है, वो व्यक्ति इतने से टुकड़े डालता है और माथे पर बैठ करके सवारी करता है। अब वो व्यक्ति कहता है बैठ जा, तो हाथी बैठ जाता है, खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाता है, चल तो हाथी चलने लगता है। ये क्या हो गया है, ये क्या हो गया है भाई साहब, ये कैसी वृत्ति है? मान्यता ही तो है और क्या है, विश्वास ही तो है। उसने ये विश्वास कर लिया कि मैं बड़ा हुआ हूँ, हमने विश्वास कर लिया कि हम बंधे हुए हैं, हमने ये सोच लिया कि हम गुलाम हैं, हमने ये सोच लिया कर्मों ने हमें बांध रखा है, हमने ये सोच लिया कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसा कर्म का उदय भाई साहब, जैसा कर्म का उदय आएगा वैसा होगा, जैसा कर्म का उदय आएगा वैसा होगा। छोड़ दो ना इस बुद्धि को, कर्म बिचारे कौन, भूल तेरी अधिकाई, कर्म बिचारे कौन, कौन है ये कर्म जिन्होंने मुझे पराधीन कर रखा है क्या इन कर्मों में ताकत? टोडरमल जी का वाक्य बतला रहा था मैं आपको, 52 नंबर पेज पर, 52 नंबर पेज, ग्रंथ आपके सामने सबके पास में होगा इस समय, क्योंकि मैंने पूर्व सूचना नहीं दी थी आपको किसी को भी स्वाधीनता की चर्चा करने के लिए। 52 नंबर पेज निकाल करके देखिए, बीच में बोल्ड लाइनें आपको दिखाई देगी, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होती, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं है। अब जब कोई किसी के अधीन नहीं है तो अधीन बनाने की चेष्टा ये दुख को जन्म देती है, और अधीन नहीं है इस बात की स्वीकृति, इसमें आनंद का जन्म होता है। नौकर को एक काम बतलाया था और नौकर ने उस काम को किया नहीं, आप दुखी होते हैं, और जैसे ही उसकी परिणति की स्वाधीनता ख्याल में आती है, कौन दुखी करे अब मुझे, बतलाइए अब मुझे कौन दुखी करेगा? अब तो ये बात स्पष्ट ख्याल में आ रही है मेरे को, ओहो देखो तो सही, विचार तो करो आप वस्तु स्वरूप का। जहाँ मुझे तकलीफ ख्याल में आ रही थी, ये काला पड़ गया है, मुझे विचार आया इन परमाणुओं को सफ़ेद से काले होने में, गोरे से काले होने में, इसकी स्किन के परिवर्तन हो जाने में, कौन बदले, कौन बदले बतलाओ? अनादि निधन वस्तुएं, सब वस्तुओं की बात कर रहे हैं, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न हमारे स्वाधीन है क्या? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी में घुस नहीं जाता है। प्रभु चाहिए पंचास्ती का है, उठा करके दे, पंचास्ती का ग्रंथ की सातवीं गाथा है, अन्नोणम पविसंता दिनता ओगा समण अन्नस मेलनता वीर निच्चम सगम सहाम न विजयंती। सारे द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है एक दूसरे में घुस गए हूँ, शरीर में आत्मा ने प्रवेश कर लिया, आत्मा में से शरीर निकल गया, ये पुद्गल परमाणु सारे एक दूसरे का कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। बोलो ऐसा लगता है हमारे को, अन्नोणम पविसंता दिनता होगा समान अन्नस मेलनता वीर निच्चम सगम सहाम न विजयंती। कोई अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। समय सार तीसरी गाथा उठा करके देखिए, ओहो क्या स्वाधीन है, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है भाई साहब, एक एक परमाणु की स्वतंत्रता ही सुंदरता है, ये सौंदर्य है, ये जगत के पदार्थों का सौंदर्य है। ये कैसी सुंदरता है, कांटा भी सुंदर है, मिट्टी भी सुंदर है, ये बरसात भी सुंदर है, जल भी सुंदर है, हर वस्तु सुंदर है। बदसूरती है कहाँ आपकी निगाह में, हमारी निगाह में बदसूरती है। निगाह बदलने की ज़रूरत है, दृष्टि बदलने की ज़रूरत है, आपको स्वाधीनता नजर आएगी, आपको सुंदरता नजर आएगी हर जगह पर। हमारे को ये स्वतंत्रता और स्वाधीनता का सौंदर्य नजर आएगा। स्वतंत्रता और स्वाधीनता में सौंदर्य है, सुंदरता है, वाह क्या सुंदरता है भाई साहब, इस सुंदरता को देखिए आप। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, विसंवाद है पर बंद की है कथा ही एकत्व में। तीसरी गाथा एकत्व की सुंदरता, जिग्नेश भाई एकत्व में सुंदरता है, अकेलेपन में सौंदर्य है। और जहां अकेलापन नहीं, देखो अकेला व्यक्ति सब कुछ करने वाला है, एक व्यक्ति वहां सब काम फटाफट हो जाते हैं, जहां एक व्यक्ति डिसीजन लेने वाला है वहां काम बहुत फास्ट होते हैं, और जहां पांच लोग मिलकर के किसी कार्य का डिसीजन लेते हैं वहां काम नहीं होते, फास्ट नहीं होते, जल्दी नहीं होते, अटकते रहते हैं। उनसे पूछो ऐसा करो वैसा करो, दिमाग घूमता रहता है हमारा उस चक्कर फेरी में। यहाँ तो भाई साहब पदार्थों की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे, पर्यायों की भी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। अरे एक ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, इस ज्ञान का घेय क्या बनेगा? विकल्प उत्पन्न हुआ है, वो विकल्प अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न हुआ है, वो विकल्प
एक एक समय का विकल्प, क्षण क्षण का विकल्प, आप विकल्पों को देख देख करके दुखी होते हैं। विकल्पों, मुझे ऐसा विकल्प क्यों आ गया, मुझे ऐसा विकल्प नहीं आना चाहिए था, ऐसा विकल्प क्यों, ऐसा विकल्प क्यों, आप ऐसा मत करें, ऐसा विकल्प मत करें, कौन किसको क्या विकल्प करे। ये पर्यायें तुझे स्वतंत्र और स्वाधीन नहीं दिखाई दे रही है, पर्यायों की भी स्वाधीनता की चर्चा प्रवचन सार 16 नंबर गाथा उठा करके देखिए। प्रवचन सार की 16वीं गाथा में वे चर्चा कर रहे हैं कुंद कुंदाचार्य देव, स्वयंभू, स्वयंभू भाई साहब, स्वयंभू वाली गाथा है। षट कारकों से स्वाधीनता बतलाते हैं, एक एक कारक स्वाधीन है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, षट कारकों की। पर्याय के षट कारक स्वतंत्र हैं, पर्याय के षट कारक स्वतंत्र हैं। इतनी उत्कृष्ट लेवल पर स्वतंत्रता की उद्घोषणा कुंद कुंदाचार्य देव कर रहे हैं, इतनी स्वाधीनता हमारे को दे रहे हैं। ये कह रहे हैं तू स्वाधीन है, तुम स्वाधीन हो, और हम क्या कर रहे हैं, माथा पकड़ करके रो रहे हैं, हे भगवान अब क्या होगा, हे प्रभु आप ही बचा लो। खुद भी पराधीन, भगवान को पराधीन समझ लिया, भगवान को अपने कंट्रोल में कर लिया, भगवान को अपने कंट्रोल में समझने लगा, क्या हो गया है तुझे, संभाल अपने आप को, संभाल भाई, ये जनागम का मार्ग ये बड़ा गजब का मार्ग है, ये कदम कदम पर ऐसी बातें कहते हैं जिन बातों को देख करके आपका चित्त प्रफुल्लित हो जाए। जबरन चलाने की चेष्टा मत करो, इसका नाम स्वाधीनता है, मत चलाओ। भ्रम भ्रम, इसी 52 नंबर पेज पर नीचे लिखा, भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना है। बोलो अब जो व्यक्ति अपने आप को भ्रम से पराधीन मान करके बैठा हो उसे कौन बचाए, कैसे बचाए, मान करके बैठा है, अपने आप को परतंत्र मान करके बैठा है, नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं तो ऐसा तो होता ही, ऐसा 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 ये करता रहे, बस तू कोई दम नहीं है इसमें, परतंत्र है नहीं, परतंत्र मान रखा है, ये रस्सी है, सांप है नहीं, अब तू सांप मान मान करके दुखी होता रहे तो क्या होगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, जो सांप है तो सांप है, रोता रहे क्या करेंगे, तेरे रोने का क्या उपाय है। सभ्य शुद्धा हूँ शुद्ध नया द्रव्य संग्रह के अंदर कह रहे हैं कुंदाचार्य देव, ये कौन किससे तेरे से पूछ पूछ करके क्या हो रहा है ये तो बता मुझे। बॉडी में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है, हमसे पूछ पूछ करके क्या हो रहा है, कितनी स्वाधीनता, कितनी स्वाधीनता। देखो पराधीन तब होता है ये व्यक्ति जब अपेक्षा रखता है, जब इसे अपेक्षा होती है, जब इसे लौकिक आकांक्षाएं होती है तो फिर ये दबता है। जहां हमारा स्वार्थ टकराता है ना वहां फिर व्यक्ति दबता है, दबना पड़ता है, इसको ऐसा लगता है नहीं नहीं मैं यदि ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा पैसा रोक लेंगे, मैं ऐसा यदि ज़्यादा तेज आवाज़ में बात करूंगा तो मेरे पैसा ये लौटाएंगे नहीं, ब्याज पर लिया हुआ है, मैं यदि ज़्यादा इनको ऐसा करूंगा नौकरी छोड़ करके भाग जाएगा ये, तो कभी उनको कंट्रोल करता है, कभी इनको कंट्रोल करता है, नहीं नहीं कभी वाइफ के कंट्रोल में करना चलना पड़ता है, कभी बच्चों के, ये क्यों है भाई साहब, ये स्वार्थ है ये सब, इसलिए हो रहा है। आपको अपने उदय पर भी भरोसा नहीं है, जैन दर्शन आपको आपके उदय पर भरोसा दिला रहा है, कर्म के उदय पर भरोसा दिला रहा है। आप विश्वास रखिए, दो रोटियों के लिए पराधीन मत होइए, दो पैसे के लिए पराधीनता सोचने की जरूरत नहीं है, रुपए दो रुपए के लिए, लाख दो लाख के लिए, करोड़ दो करोड़ के लिए किसी के अधीन होने की जरूरत नहीं है, किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं मैं बंधा हूं, मैं बंधा हूं, ये जो बद्ध और अबद्ध माने बंधेगा निर्भ्रांति ही कथाएं कर्ता कर्म अधिकार की, निर्भ्रांति बंधेगा तू अपने आप को, बद्ध मान रहा है अबद्ध मान रहा है क्या, ये कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथाओं के अंदर है। एकस्य बद्धो न तथा परस्य, ये जो कलश दिए हैं अमृत चंद्राचार्य देव ने कर्ता कर्म अधिकार 140 42 से 140 43 42 43 44 जो गाथाएं हैं ना, इन गाथाओं के अंदर यही चर्चा है सब। स्वतंत्र देखो, स्वतंत्र देखो आप, एकस्य बद्धो न तथा परस्य, एक नए कहता है कि तू बंधा है, दूसरा नए कहता है कि तू नहीं बंधा है। यदि बद्ध और अबद्ध माने बंधेगा, मैं बंधा ही नहीं हूँ, मुझे बंधन होता ही नहीं है, कर्मों ने मुझे बांध रखा ही नहीं है, अमूर्तिक आत्मा को ये मूर्तिक कर्म बांधेंगे कैसे, कैसे बांधेंगे ये कर्म, कर्म स्पर्श स्वभाव वाले हैं, मैं अस्पर्श स्वभाव वाला हूँ, अस्पर्शी हूँ मैं, ये नहीं बांधते मुझे, ये नहीं चिपक सकते, ये कर्म मुझे टच नहीं कर सकते हैं, क्या टच नहीं कर सकते हैं ये कर्म, क्योंकि उनमें स्पर्श गुण है और मुझ में अस्पर्श नाम का गुण है, कैसे टच करेंगे, कर लो साहब कर्मों ने बांधा है,
वो कहते हैं योगेंदु देव, नवि उपजई नवि मरई बंधु न मुख करई, वाह न उत्पन्न होता है न मरता है, न बंध करता है न मोक्ष करता है, बंध और मोक्ष भी नहीं करता, उत्पन्न भी नहीं होता, मरता भी नहीं है, वाह ये क्या बातें हैं, ये कैसी बातें हैं। इसका आनंद मैं कहता हूँ, ये जो देश की स्वतंत्रता है, देश की स्वतंत्रता को हम सलाम करते हैं, देश की स्वतंत्रता के हम गीत गाते हैं, देश जिन्होंने आज़ाद कराया उनके हम गीत गाते हैं, लेकिन मेरी स्वाधीनता की चर्चा जिन्होंने की हो उनके भी तो गीत गाना चाहिए। वीतरागी संतों का ये बड़ा उपकार है, वीतरागी संतों का ये बड़ा उपकार है, सुख शांति का ये बताया भंडार है, सुख शांति का ये बताया भंडार है। क्या कितना बड़ा उपकार कर दिया है बोलो, यदि ये वीतरागी संत नहीं मिलते, यदि दिगंबर दर्शन नहीं मिलता, यदि हमारे को ऐसी स्वाधीनता की चर्चा करने वाले गुरु नहीं मिलते, उपदेशदाता स्वाधीन उपदेशदाता गुरु का योग यदि हमारे को नहीं मिलता तो हम क्या करते बोलो, कहाँ लहते रहते अविचारी, बोलो घूमते रहते ये इस तरह से, कोई किसका व्रत कर रहा है, कोई किसका पाठ कर रहा है, कोई कौन सा चालीसा पढ़ रहा है, कोई किसका कर रहा है, कोई भगवान के ऊपर जाकर के जल ढोल रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई दान दक्षिणा दे करके मंत्र तंत्र आदि की साधना के सुखी होने का प्रयास कर रहा है, सब पराधीन बनाने के काम है वो, पूरे दुनिया भर में चल रहे हैं ये सब। हम भी कहीं ना कहीं किन्हीं देवी देवताओं के चक्कर में लगे हुए होते। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान अश्वनी जैन, श्रीमती श्री जैन, कुमारी अनिका जैन, दिल्ली निवासी, जयपुर प्रवासी। अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म।